हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज ये एक ब्लॉग की वीडियो नहीं है, एक कार रिव्यूइंग वीडियो है जिसमें मैं अपनी कार का रिव्यू दूंगा। सो गाइस, ये है टाटा अल्ट्रोस एक्सजेड। इसमें आती है कीलेस एंट्री जिसमें लॉक, अनलॉक, फॉलो मी हेडलैम्प्स एंड बूट ओपनिंग का बटन है। तो फ्रंट की साइड इसमें दो ग्रिल्स आती हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो ग्लोबल एनकैप में इसको 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो इसके हेडलैम्प यूनिट की बात करें तो इसमें आता है टर्न इंडिकेटर, हैलोजन हेडलैम्प एंड प्रोजेक्टर आते हैं इसमें। नीचे की बात करें तो इसमें आती है फॉग लैम्प, में LED आती है। तो गाइज, ये है टाटा अल्ट्रोस का 3-सिलेंडर रेवट्रॉन इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 88 BHP की पावर एंड 200 Nm ऑफ टॉर्क। तो साइड की तरफ आते तो इसमें आते हैं ORVM, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलेबल है, और इसमें आते हैं टर्न इंडिकेटर, पर टर्न इंडिकेटर इसमें यहाँ पे होने चाहिए थे, जो कि बहुत अच्छे लगते हैं। ये है इसकी कीलेस एंट्री, इधर से ही आप कार को अनलॉक एंड लॉक कर सकते हैं। टायर्स की बात करें तो इसमें आते हैं 195/55 R16 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं। पीछे की लुक की बात करें तो ये इस लुक की आती है, बहुत ही प्रीमियम लुक है इसकी। और लेफ्ट साइड में आती है इसकी फ्यूल लिड। इसकी फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो ये आता है 37 लीटर्स का। ये हैं इसकी LED लाइट्स, जो कि बहुत मस्त हैं, रात को बहुत अच्छी दिखती हैं। बैक लाइट है ये। तो ये है इसके बैक की फॉग लैम्प। तो गाइस, बूट की बात करें तो ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इतने लीटर्स का ये इसका बूट स्पेस है। ये है पार्सल ट्रे। ये है पीछे के वाइपर्स और डिफॉगर्स हैं ये। इसका डोर हैंडल यहाँ ना होके इधर है, जिससे आप इधर से खोल सकते हैं, पर अभी कार अनलॉक नहीं है, ऐसे यहाँ से खोल सकते हैं। इसमें आते हैं रेन सेंसिंग वाइपर, अगर बारिश आए तो ये अपने आप ही वर्क करने लगते हैं। इसकी हेडलाइट यूनिट भी ऑटोमेटिक है, मतलब कि रात को अपने आप जल जाती है। ये कुछ है इसका एंटीना। तो ड्राइवर डोर की बात करें तो इसमें मिलता है आपको वाटर होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, और ये हैं कुछ कंट्रोल्स इसके। ये है ड्राइवर डोर हैंडल। तो ड्राइवर सीट की बात करें तो ये है एडजस्टेबल, हाइट एडजस्टेबल। इंटीरियर की तरफ चलें तो इसका स्टेयरिंग व्हील डी शेप कट है। ये है इसके इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स, ये है क्रूज कंट्रोल्स, और ये है फॉग लैंप्स के कंट्रोल्स, और ये है स्टार्ट स्टॉप इंजन का बटन। हाफ डिजिटल एंड हाफ एनालॉग आता है ये। ये है स्पीडोमीटर, ये RPM मीटर, और यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन होती है इसमें। ये आपको माइलेज बताता है, पावर एंड टॉर्क बताता है। ये कुछ है इसकी सेटिंग्स, जितना कार में फ्यूल है उसमें कितना किलोमीटर चल पाएगी गाड़ी। ये है इसकी हेजार्ड लाइट्स, ये हैं कुछ इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स, ये है वॉल्यूम बटन, ये भी इसी का कंट्रोल है। ये है फुली ऑटोमेटिक AC, 12 वोल्ट का सॉकेट, ये है USB, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। ये इसकी हैंड ब्रेक, जो कि पैसेंजर साइड में है, और ये बहुत अच्छा फीचर है जिसमें आपको दो मोड्स दिखते हैं, एक इको मोड एंड सिटी मोड। ये है ORVM, जो कि मैनुअल एडजस्टेबल है। इसकी ग्लव बॉक्स की बात करें तो ये बहुत ही डीप 15 लीटर्स का ग्लव बॉक्स है, जिसमें आपको एक लाइट मिलेगी, और ये कोल्ड ग्लव बॉक्स है, मतलब कि जो भी सामान आप अंदर रखोगे, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो वो अंदर ठंडी रहेगी। ये कुछ मिरर कंट्रोल्स हैं, वन टच डाउन है ये, और ये है ORVM के कंट्रोल्स। तो ये है हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स, और ये है वाइपर्स के कंट्रोल्स। पीछे की तरफ आए तो इसमें रियर AC वेंट मिलता है, और 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट है। पीछे की साइड इसमें आर्मरेस्ट आता है, इसमें कप होल्डर्स तो नहीं है वैसे।
ये कुछ लाइट्स हैं इसकी, ये है सनग्लास होल्डर एंड ये है एक माइक। तो इसमें आते हैं दो, इसमें आते हैं दो ट्विटर एंड चार स्पीकर्स। स्पीकर्स की बात करें तो बहुत मस्त स्पीकर्स हैं इसके, जो कि है हरमन कार्डन के द्वारा ट्यून्ड। ये कुछ है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। पीछे की साइड भी इसमें हेडरेस्ट है। तो माइलेज की बात करें तो ये सिटी में 16-17 की माइलेज दे देती है, एंड हाईवे पे अभी तक मुझे तो 20 की माइलेज मिली है इसमें। मेरे को इस कार को 1 साल हो गए हैं एंड इसकी 2 सर्विसेज भी हो गई है, जो कि सर्विस एक्सपीरियंस की बात करें तो ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी, ज़्यादा बुरी भी नहीं थी, एंड कोई भी सर्विस कॉस्ट हमें नहीं देनी पड़ी इसमें। अगर आप एक फैमिली कार लेना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल ये कार आपको रिकमेंड करूँगा। ड्राइविंग के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो आपको ये कार थोड़ी अंडर पावर लगेगी, क्योंकि ये 3 सिलेंडर इंजन है तो अंडर पावर है ये। तो ये थी एक रिव्यू वीडियो ऑफ टाटा हर्ट्रोज एग्जिट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।